डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग नरेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूज फर्स्ट में हमने उसके जनरल रूल से थोड़ा सा परिचित किया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, चेंजेस के नियम क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने के पहले चेंजिंग प्रोनाउन जब आएगा, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले किसी भी प्रोनाउन को आप किस तरह से चेंज करेंगे, ये जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वाक्य को पूर्ण करना संभव नहीं है। इसलिए आज सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू चेंज द प्रोनाउन या चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन कैसे परिवर्तित करेंगे आइए हम देखते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि स्टार्ट करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को पढ़ें, पसंद आए तो लाइक करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उसका लाभ अन्य लोगों को भी मिले। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोनाउन आठ प्रकार के होते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कैसे उसको चेंज करेंगे हम, उसी को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में नंबर तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में क्या आएगा, इसको हम चार्ट के माध्यम से आपको सिखाते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, ध्यान दीजिएगा बच्चे, नोट करते रहे। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी, सेकंड में आता है यू और थर्ड में ही, सी, इट एवं दे। इन तीनों प्रकार के प्रोनाउन को जब आप समझ लेंगे, इनके चेंजिंग को समझेंगे, तो नरेशन बनाने में आपको बड़ा इजी समझ में आएगा, कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहां हमने एक लिस्ट तैयार किया है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। हो सकता है कि हमारे स्क्रीन का प्रिंट कुछ छोटा हो, मैं बोल भी रहा हूं, आप नोट करते चलेंगे तो समझ में आएगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आगे पीछे करके आप समझ सकते हैं, मैं उसको बोल भी रहा हूं, अगर कहीं नहीं समझ जाता तो उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। ऊपर हेडिंग हमने डाल दिया है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, देख रहे हैं। इन पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स को कैसे चेंज करेंगे, ये है हमारा पर्सन, आप देखिए पर्सन, इसके बाद नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। जैसा कि आप जानते हैं केस तीन प्रकार के होते हैं, उसी में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। केस पर हमें कोई दिक्कत होगी अगर छात्रों को, यदि आप कहेंगे तो हम केस पर एक सेपरेट वीडियो दे देंगे, लेकिन यहाँ पर उसकी डिटेल चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के रूल्स। तो आप देख रहे हैं पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं आई और वी नॉमिनेटिव केस में आया, फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आई और वी, सेकंड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में आता है यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एवं दे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब आपको हम लिस्ट के अनुसार बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, देख रहे हैं लिखा हुआ है आई के ऑब्जेक्टिव केस में मी। पजेसिव केस के दो भाग हमने किया है, पजेसिव पी से लिखा है, पी से पजेसिव एडजेक्टिव और पी से पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव कोस केस जो है दो भागों में उसको उसका पार्टीशन है, जिसमें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है। तो फिर से आप ध्यान दीजिए, जब फर्स्ट पर्सन आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा तो हम बदलेंगे मी में, और पजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में माई और प्रोनाउन के रूप में माइन का प्रयोग किया जाता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में माइन का प्रयोग होता है। अब फर्स्ट पर्सन में वी एक शब्द है, वी, वी माने हम लोग, वी का ऑब्जेक्टिव में होता है अस,
पजेसिव में आवर और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में आवर्स का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पर्सन की हम बात करें अगर, तो सेकंड पर्सन वो कैसे चेंज होगा? सेकंड पर्सन में इकलौता यू आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इकलौता यू है इसके साथ नॉमिनेटिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव में भी यू का यू ही होता है और पजेसिव के एडजेक्टिव में होता है यू का योर, और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स का यूज किया जाता है। फिर से देख लीजिए, यू पजेसिव केस में भी यू, पजेसिव एडजेक्टिव में योर और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। जैसा कि आपको बता गया, थर्ड में ही सी दे इट, तो ही का एडजेक्टिव केस होता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही के साथ लगाते हैं हिज, और पजेसिव प्रोनाउन में भी हिज का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि सी के साथ हर, हर और हर्स, माने सी के एडजेक्टिव में भी हर, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी हर का प्रयोग, और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हर्स का प्रयोग किया जाता है। दे अगला आपका थर्ड पर्सन का पार्ट है दे। दे को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में एक देम के रूप में, दे को चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव में देम में, और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर, और पजेसिव प्रोनाउन के लिए देयर्स का प्रयोग करते हैं, क्लास में कर रहे हैं। और इट है, तो इट का ऑब्जेक्टिव में भी इट होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में इट, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। इस ढंग से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, प्रोनाउन आठ प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला भाग है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपने देखा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू और थर्ड में ही सी इट दे, आप देख रहे हैं। इसी तरह से फर्स्ट का हमने इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, आप समझिएगा कि आई का मी, माई माइन, वी का अस और आवर्स, यू का यू, यू योर और योर्स होगा, और ही सी इटले का इसका क्रम है ही का हिम, हिज और हिज, सी का हर, हर और हर्स, दे का ये और लास्ट ये। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने अब तक पर्सनल प्रोनाउन के चेंज होने के रेगुलेशन को बताया। इसके बाद अब हम आपको सिखाएंगे कि इनको चेंज करने के, अगर फर्स्ट पर्सन का आ गया आई भी, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आइए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ये लिस्ट आप बिल्कुल रट लीजिएगा बच्चों, लिस्ट अगर आप रटेंगे नहीं तो समझ में कम आएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन दिमाग में मत पैदा कीजिएगा, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको थोड़ा सा ट्राई करूंगा। सिट डाउन, बैठ जाओ। देखिए आप एक वाक्य उदाहरण के लिए मैं आपको दे रहा हूं। सपोज कीजिए लिखा है वाक्य, ही सेज टू राम, यहां पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि he says to Ram, I teach English, लिखा हुआ है, उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। तो कल फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि he says to Ram क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और जबकि डबल कॉमा के अंदर का भाग है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको ये बता गया था कि लेट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर आज चेंजिंग वाले रूल्स की ओर नहीं ले चल रहा हूं, यहाँ पर मैं आपको प्रोनाउन के चेंजिंग की बात कर रहा हूँ। प्रोनाउन का चेंजिंग अब यहाँ आपने किया, बीच में रिपोर्टेड स्पीच में आई आ रहा है, अब यहाँ पर अगर आप आई को क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इसके रेगुलेशन की चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यही है फर्स्ट, अब आपको पहचानना पड़ेगा कि आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन में है, आई की जगह यू भी हो सकता है, यू टीच इंग्लिश, हरी टीच इंग्लिश,
दे टीच इंग्लिश या कोई भी वाक्य बन सकता है, आई वी यू दे ही सी इट, दे इन्हीं से तो बनेगा। माने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोग्राम से ही तो कोई शब्द स्टार्ट होगा ना वाक्य। इसलिए अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का आई वी आएगा तो उसकी चेंजिंग, सेकंड पर्सन आएगा तो उसकी चेंजिंग, और थर्ड में हम कैसे चेंज करेंगे ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन तब तक के लिए आप इस लिस्ट को तैयार कीजिए और फिर इसको आप समझाने के बाद मैं आपको शुरू करूंगा चेंजिंग ऑफ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे इसके हम थर्ड पार्ट से वीडियो के में स्टार्ट करेंगे या फोर्थ पार्ट से, क्योंकि फर्स्ट में मैंने आपको परिचय कराया, सेकंड में आपको चेंजिंग के प्रोनाउंस का हमने लिस्ट दिया, और थर्ड पार्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि प्रोनाउन का चेंजिंग कैसे करें। बात समझ आ रही है? और थर्ड या फोर्थ से हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन। तब तक के लिए बच्चों हम आज का वीडियो यही बंद करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप पिछले वीडियो को भी, इसको भी और इस लिस्ट को तैयार करेंगे, अधिक से अधिक पढ़ेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या स्थिति है, समझ में आया कि नहीं। यदि कोई समझ में बात कम आती है तो आप मुझे फोन करके या कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरा नंबर कंफ्यूज हो रहा हो तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9936950158। कोई भी स्टूडेंट अगर कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फोन करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कमेंट कीजिए, मैं इस कमेंट को पढ़ूंगा, देखूंगा। बस थैंक्स।